आज तारीख क्या है? आज 15 है। आज 15 तारीख है, आज 15 तारीख है भाई साहब, 15 तारीख है, वैलेंटाइन चला गया। अबे यार वैलेंटाइन चला गया, अबे चुतिया खत्म, जिंदगी सफल। अबे तू क्यों खुश हो रहा है? तू तो वैसे भी ऐसे काम चलाता है। अबे लोगों ने जिंदगी हराम कर दिया स्टेटस डाल के। एक तो मुझे ये बताओ व्हाट्सएप स्टेटस पे लिमिट क्यों नहीं है? साले पूरे साल अपलोड कर देते हैं ये। और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने चुपचाप मनाओ ना यार, दूसरों के गान क्यों चला रहे हो? वही तो। वैसे क्या करा तूने? रोज में एक बार लाता हूँ ना। हाँ तो उस दिन अपन दो बार लाया क्या? दो बार, ट्वाइस अ डे, समझा क्या? कभी कभी तो लगता है यही मेरी गर्लफ्रेंड है। आई लव यू बेबी, मुझे कभी मत छोड़ना, यू एक सारा मेरा, कभी मत छोड़ना मुझे। मैं तो सोच रहा हूँ शादी बीच से कर लूँ। चूतिया हो गया है क्या? बेटा जिसका कोई नहीं होता ना उसका हाथ होता है। जाके पूछ लड़कों जो सिंगल है। अबे इतनी बेचैनी है तो गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता? अबे तू तो बोल ऐसे ना जैसे मेरे बस में बंदी बनाना और मैं बना नहीं था। अबे ऐसे ऐसे एग्जाम में कम थोड़ी ना बंदी बनाना। बिल्कुल सरकारी जॉब वाला सीन, अप्लाई सो करने आता लेकिन मिलती एक को है। और तुझे क्या लगता है भाई लड़की पटाने में किस बंदी हमारा साथ नहीं देती? कहती बहन करो तेरे बस से कुछ नहीं तो घर जाकर हिला। तेरा क्या हुआ वैसे? मेरा तो वही यार फ्रेंड जोन प्रिया मिली थी यार, अपने एक्स को याद करके रो रही थी। और क्या, तू तो बेटा चन्ना मेरे पर डांस स्टेप्स की प्रैक्टिस कर ले, वही गाई उसकी शादी में। चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या। एक तो ना बचपन से किस्मत खराब है, ऊपर से घरवालों ने बॉयज स्कूल में डाल दिया, एक दूसरे की लुल्ली दे देके तो बड़े हुए हम। कहां से पटेगी लड़की? लड़की पटाने के लिए क्या क्या नहीं किया यार, फेसबुक पर पगली वाले स्टेटस डाले और प्रिया प्रकाश करके इधर आंख वाले सारे पीछे के, लेकिन नहीं पड़ती यार। एक बार तो पापा ने पकड़ लिया मुझे ये सब करते हुए, दो रैपटे मारे मेरे वही मुंह निकल गया। और मुझे तो लड़के का समझ में नहीं आता क्यों क्या हुआ। अरे एक दिन मेघा से बात कर रहा तो कह रही यार तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो लेकिन तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो, तुम्हें मेरी हर चीज का पता है, मेरी पसंद नापसंद हर चीज का पता है लेकिन तुम मेरे पति नहीं हो, तुम मेरे इतना ख्याल रखते हो लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो, आखिर कौन हो तुम? पोछड़ी के चूतिया है तू। अब तो मुझे भी लगने लग गया है, सब शादी कर रहे गर्लफ्रेंड बना रहे और हम अब तक अपने हाथ से काम चला रहे हैं। कुलदीप नहीं है भाई, 21 साल का है, हमारी एज का है बता। शादी कर ली यार उसने, शादी कर ली उसने। अबे कोई बात नहीं यार, मिल जाएगी। कैसे बनेगी यार गर्लफ्रेंड? हम वो होटल का कंधा थोड़ा ठीक था लेकिन मजा आ गया था रात में, क्या बताऊं। ये आ गया भोसड़ी वाला, अब कल रात की बकचोदी सुना के हमारे दिल और कान दोनों जलाएगा, देख लियो। तुम्हें जिंदगी की सबसे अच्छी रात रही होगी मेरी तुम्हारे साथ। अरे अब क्या करोगी यार, छोड़ो ना, ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है, अब तुम ऐसे करोगी? अरे ऐसा थोड़ी होता है। और कहां मनाया वैलेंटाइन? बाथरूम में। क्या बताऊं यार क्या रात थी, बस थोड़ा गद्दा कमजोर पड़ गया, मतलब काम तो चल ही रहा था, कुछ रात थी यार वहाँ की, मजा आ गया, बहुत मजा आ गया बस। ये लो तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई है, तू भी ले। तेरी का है? वो तो मैंने कल रात को यूज कर ली थी। अरे मेरी वाली चॉकलेट मेडिकल स्टोर से आई थी तो कल रात को ही। और क्या किया कल रात? देखो हुआ ये, पहले हम होटल गए, फिर जैसे ही हमने एक दूसरे के कपड़े उतारना चालू करा और जैसे ही हमने काम चालू, एक सेकंड मतलब मैं क्यों बता रहा हूँ, बहन करोड़ प्राइवेसी नामी कोई चीज है या नहीं है? अबे काय की प्राइवेसी, हम तीनों ने बचपन में एक दूसरे का देखा है। अबे वो सब छोड़, ये पता तूने गर्लफ्रेंड कैसे बनाई, हमसे तो नहीं पटती भाई। देख लड़की पसंद होते हैं हाइजीन बंदे जो साफ सुथरे तरीके से रहते हैं, साफ सुथरे बिल्कुल मेरी तरह। तू हाइजीन है भोसड़ी के, अपनी नाक निकाल के तो खा जाता है ये भाई। वो तो मैं बचपन में करता था, अब ये गांड से गुड़ निकाल के खाता है मेरी बहन की। अबे छोड़ना, एक काम करते मूवी देखने चलते हैं भाई, हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। हाँ भाई बहुत टाइम हो गया। और सुन तू प्रियंका को फोन करके बोल दे फटाफट यहाँ पे आ जाएगा, हम सारे साथ में चल रहे हैं। ठीक है। हाँ सुन भोसड़े के, एक काम करिए उससे घर पे आज ही मूवी देखने चल रहे हैं। अबे लड़की के आदमी की बात कर रहा, साले मेरा खड़ा थोड़ी ना हो जाएगा क्या? सॉरी यार गलती से डायल हो गया। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई? प्रियंका की जगह प्रियंका को फोन लग गया। तो उसने कहा आपकी फोन मत करियो। तो अब ब्रेकअप? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, तो छोड़ो ये न सोचो।